सबसे पहले बात करते हैं नेशनल वर्कशॉप ऑन द रोल ऑफ एग्री स्टार्टअप इन द हनी वैल्यू चेन हेल्ड इन बनारस वाराणसी। तो आप जानते हैं हनी हनी प्रोड्यूस करने के लिए हनी बी रियरिंग को क्या कहते हैं? एपीकल्चर। तो एपीकल्चर याद रखना, मधुमक्खी पालन क्या कहते हैं? एपीकल्चर। तो एपीकल्चर बड़े पैमाने पे बहुत जगहों में देश में हो रहा है। यहाँ बनारस में हनी वैल्यू चेन को लेकर के एग्री स्टार्टअप हुआ, तो इसमें नेशनल बी बोर्ड है, NBB, ये नोट कर लो, नेशनल बी बोर्ड ऑफिस मोस्ट प्रोबेबली दिल्ली में है। ये सीधे कृषि मंत्रालय के अंतर्गत काम करता है नेशनल बी बोर्ड। और इन्होंने जो बनारस में नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, तो बनारस में उसके सहयोग से ये ट्रेनिंग ये वर्कशॉप करवाया। यहाँ पे इस न्यूज के माध्यम से मेरा उद्देश्य था आपको इसके बारे में बताना। पहला, नेशनल सीड टेस्टिंग रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर है, ये बनारस में है, ये बताना मेन उद्देश्य था। और क्यों? क्योंकि नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इसको ये कंट्री का सीड टेस्टिंग को लेकर के या सीड रिसर्च को लेकर के बड़ा इंस्टीट्यूशन है, सीधा कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आता है। इसे सेंट्रल नोडल लैबोरेटरी माना जाता है, रिफरल लैब माना जाता है। रिफरल लैब समझते हैं, जहां कोई घटना हो जाए ना तो सरकार जिस लैब को रिलायबल मान के वहां पे टेस्टिंग के लिए कोई चीज रिफर करती है ना, उनको रिफरल लैब कहते हैं। तो जब भी बीज में मिलावट जैसी बातें होती है तो नेशनल सीड रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर इज वन ऑफ देम। ठीक है, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन ये इम्प्लीमेंट हुआ है, जिसमें साइंटिफिक बी कीपिंग का अपग्रेडेशन की बात है और इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी है कि हम हनी कैसे प्रोसेस करें, उसके दिशा में भी इसमें फोकस किया गया, नेशनल बी कीपिंग एंड हनी मिशन के बारे में।